कंट्रोल रूम में कि डिस्पाइट सो मच इश्यूज कैन वी कंट्रोल इट, कैन वी टेम इट। अवर माइंड इज लाइक यू नो वो दो घोड़े हैं, एक घोड़ा है जो पॉजिटिव घोड़ा है, एक नेगेटिव घोड़ा है, और दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में दौड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज लुकिंग एट इट। इज इट क्लियर और नॉट? या इट इज, इट इज, इज यस, इट्स क्लियर। क्लियर? ओके, सो दिस टू हॉर्सेज विल रन इन देयर ओन डायरेक्शन, वन ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, वन ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड अवर माइंड विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। द की इज एज सारथी, हाउ डू वी कंट्रोल इट, हम ये दो घोड़े को लगाम कैसे लगाते हैं वो हमारे हाथ में है। और वही ये सिचुएशन में सबसे क्रिटिकल होता है कि हमारे माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि नेगेटिविटी में नहीं जाए बट पॉजिटिव चीज़ों को देखें, और वो हमारा काम है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। रियली अंडरस्टैंड दिस होल, आई जस्ट गेट इन टू लिटिल बिट ऑफ फिलोसॉफी। सो देर आर फोर स्टेजेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। दी लोएस्ट स्टेज इज बॉडी, द सेकेंड स्टेज इज एनर्जी, द थर्ड स्टेज इज इमोशन, द फोर्थ स्टेज इज माइंड। बॉडी, एनर्जी, इमोशन एंड माइंड। बॉडी इज लाइक अर्थ, यानी कि अपना बॉडी। एनर्जी इज वाटर लाइक अवर ब्लड। इमोशन इज लाइक एयर एंड माइंड। नाउ व्हेन दिस माइंड इज नेगेटिव, व्हाट हैपेंस इज इट विल ओनली जनरेट नेगेटिव इमोशंस, इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव एनर्जी, एंड फिजिकली इट विल मेक अस वीक। व्हेन दिस माइंड इज पॉजिटिव, इट विल जनरेट पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी, एंड मेक अवर बॉडी पॉजिटिव। Now the whole question is that how do we control our mind? Because इतना सब बाहर हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, कंपनी में हो रहा है कि by default तो negative ही सोचेंगे ना, positive कैसे सोचेंगे? But there is the whole theory that like we manage our body. How do we manage our body? One is we eat good food, second is you exercise and sleep well. So for body we exercise, we eat good food and we sleep well. Similarly, we can access our mind. And what is the food for mind? Food for mind is what we read, what we listen, what we hear, what we talk. If we put negative things in our mind, पूरा दिन अगर आज तक देखेंगे तो माइंड को हम नेगेटिव खाना खिला रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव खाना खिलाएंगे तो माइंड पॉजिटिव सोचेगा। जैसे हम बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं कि हम 50 पुशअप करेंगे तो मेरा बाइसेप्स बनेगा, वैसे हम माइंड को एक्सरसाइज करा सकते हैं बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स डे इन एंड डे आउट एवरी डे। सो टेमिंग दिस माइंड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी टेम दिस माइंड वी आर एबल टू कंट्रोल फोर लेवल्स ऑफ अवर बॉडी। वी आर एबल टू कंट्रोल अवर फिजिकल बॉडी, अवर एनर्जेटिक बॉडी, अवर इमोशंस। इफ द माइंड इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, एवरीथिंग विल गेट स्क्रूड अप। नाउ इन करंट सिचुएशंस व्हेन सर्कमस्टेंसेस लाइक दिस, it is more likely that the flow is towards negative, and by default we are also going towards negative. That is where the challenge is, that we have to stop getting into that negativity. I'm not saying we should be blind to the reality. Agar current reality bolta hai ki boss ye industry mein ye problem hai, wo reality hai, but humko reality ko soch ke, samajh ke, dekh ke abhi kya kare us pe sochna hai, rather than being into that negativity throughout and getting into a deeper shit. What happens is if we are too much into this negative frame of mind, it will have huge impact later on. See, nature mein cause and effect ka kaam hota hai, ki cause jo bhi rahega uska ek effect aayega. Agar abhi cause negative hai jo market mein hai, aur hamara approach bhi negative hai, hamara mind bhi negative hai, uska effect bhi negative hoga. Agar मार्केट सिचुएशन नेगेटिव है बट अगर हमारा अप्रोच, हमारा तरीका पॉजिटिव है तो इफेक्ट उतना नेगेटिव नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली अगर मार्केट पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव, तो सब कुछ ही पॉजिटिव होगा। बट करंट सिचुएशन में अगर हम अपना माइंडसेट को, अपने अप्रोच को पॉजिटिव कर सकते हैं, वी कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर सेल्व इंडिविजुअली एट आवर होम एंड फॉर द कंपनी। सो द की इज नॉट टू यू नो सी सो मच बैड इन एवरीथिंग। नो कि देर इज अ फियर which is good because it makes us alert, but that alertness, fear should make us alert, it should not break us. ये current situation ऐसा है कि जहाँ पर हमारा fear हमको शायद तोड़ सकता है, हमको तोड़ना नहीं, हमको alert होना।
बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन नेचर एंड नोवेयर दिस क्राइसिस लॉन्ग लास्टर. क्राइसिस आता है 2 महीना 6 महीना 1 साल रहेगा और फिर चला जाएगा और यू नो नया लाइफ चालू होगा, सब कुछ ठीक होगा. सो ऐसा नहीं कि क्राइसिस कोई भी नया रहेगा, हमको डटे रहना है पेड़ की तरह कि हवा आएगा हवा जाएगा और हम वहीं पे खड़े हैं. एंड दैट विल हैपन ओनली इफ अवर अवर माइंड इज ट्रेंड टू बी पॉजिटिव. हाउ टू डू इट, आई विल टेल यू सम एक्सरसाइज. हाउ टू डू इट आई विल टेल यू सम एक्सरसाइज इन सम टाइम. एम आई क्लियरली ऑडिबल और देर इज लॉट ऑफ डिस्टर्प्शन और लॉट ऑफ प्रॉब्लम? I think there is some fan or air, I think. Okay. Jo shayad disturb. Okay. Fine. Intermittently voice is like breaking. Yeah, I think actually I shifted the but still it is communicating what I'm telling or a lot of things are getting lost. It is better, it is, we are getting I think most of it. Okay. It's much better. Yeah. Okay. So the key is that while we should be afraid and we should be alert due to fear, it should not rule us. See, ये reality है कि after this whole coronavirus episode, this is a big event. A lot of things will change in a very big way. But when there is to adopt it, because if we resist it and if we are only fearful, it will take us down. So strength, clarity, crisis mein aur bhi zyada chahiye hota hai, na ki kam. Jab situation normal hoti hai, then we don't need